तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम दे रखा है कि अपन को प्रूफ करना है कि जो 11 की पावर 10 -1 है वो 100 से डिविजिबल है। तो देखते हैं इसको अपन कैसे प्रूफ कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, 11 की पावर 10 -1 की पावर 10। अब यहाँ पे ये a की पावर n - b की पावर n के टाइप का है, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको ओपन कर सकता हूँ। इस तरीके से सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। अब तुम देखोगे इधर तो ये 10 बन रहा है, और इधर यहाँ पे जो भी 11 की पावर 9 करोगे तो लास्ट का डिजिट 1 आने वाला है, इधर भी लास्ट का डिजिट 1 आने वाला है, लास्ट का डिजिट 1 आने वाला है, और यहाँ पे भी लास्ट का डिजिट 1 आने वाला है। सो 9, ये पूरी टोटल 10 टर्म्स है और सबके लास्ट में 1 1 1 आ रहा है, तो वो जो 1 है वो 10 टाइम्स एड होगा, तो ऑब्वियसली इसके लास्ट में 0 बन जाएगा, तो ये मतलब 10 का फैक्टर हो जाएगा। सो इधर से एक 10 का फैक्टर आ रहा है और इधर से भी 10 का फैक्टर आ रहा है, सो ऑब्वियसली जो पूरी क्वांटिटी वो 100 से डिविजिबल हो जाएगी। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं।